हेलो फ्रेंड्स, रियांशी.net को आपको स्वागत है। आज हम बताएंगे आधार सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज कैसे चेंज करते हैं, और वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें। जो मेरे चैनल में पहली बार आए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए। अभी हम बात करेंगे कि लैंग्वेज कैसे चेंज करते हैं। देखिए, ये जो आपका जो आधार सॉफ्टवेयर है, ये आधार सॉफ्टवेयर आपका जो यूजर आईडी और आपका आधार नंबर, वो ओटीपी और आपका बायोमेट्रिक देने के बाद लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद ये एक एनरोलमेंट प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ये आपका प्रोसेस चल रहा है, एक ये लैंग्वेज तेलुगु में है, इंग्लिश टू तेलुगु में है। थोड़ा वेट करेंगे, अभी वो अपडेट रिक्वेस्ट कैप्चर सक्सेसफुल हो रहा है। अभी हो गया है एनरोलमेंट, ठीक है। अभी ये है इंग्लिश टू तेलुगु है, अभी हम इसको इंग्लिश टू उड़िया लैंग्वेज में करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कि मैं गवर्नमेंट में दिख रहा हूँ कि इसमें लिखा है रिंटू प्रधान, ये तेलुगु में है रिंटू प्रधान। तो मैं आपको दिख रहा हूँ ये लैंग्वेज में है बोल के ऐसे दिख रहा हूँ, ठीक है। अब फिर जाके इसको उसको सॉफ्टवेयर को क्लोज करेंगे। वो कुछ एरर दिख रहा है, शायद कुछ दोबारा गड़बड़ हो गया, ठीक है। देख रहा हूँ मैं, ये सॉफ्टवेयर को पहले क्लोज करना पड़ेगा। आप जो आधार जो सॉफ्टवेयर है इसको क्लोज करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को, लेकिन मेरे यहाँ पे रिकॉर्डिंग मोड में है इसलिए दिक्कत हो रहा था, इसलिए एंड टेस्ट मोड में जाके मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आधार एनरोलमेंट वो आप क्लोज हो गया है। अभी आप वो टास्क बार में जाके सर्च पे इसे टाइप करो। अगर आपका विंडोज 7 है तो आप स्टार्ट मेनू में जाके रन पे जाके इसे टाइप कर सकते हैं। ये विंडोज 10 है, इसे टाइप करने बाद वो आप अभी खुलेगा। इसमें से आप सारे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश टू बंगाला, आसामी और गुजराती, मराठी, नेपाली, सब लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं आपको जो चाहिए। लेकिन एक साइड इंग्लिश तो मैंडेटरी रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ओनली आधार में ओनली इंग्लिश लैंग्वेज ही रहना चाहिए तो आप सिर्फ इंग्लिश चूज कर सकते हैं। ऐसे ही आप वो इसे खुलने के बाद ऐसे आएगा तो आप वो आईडी नंबर डाल दीजिए आपका, फिर आधार नंबर डाल दीजिए, बस लॉगिन कर दीजिए। ये हो गया है लॉगिन। उसके बाद वो डेमोग्राफिक स्क्रीन देखो, उसमें लिखा है, वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज आएगा। उसमें से आप जो चाहिए आपका लैंग्वेज, जैसे कि मुझे उड़िया चाहिए, मैं उड़िया करना चाहता हूँ, फिर सेव चेंजेस कर देंगे, बस ओके कर देंगे, बस इसको क्लोज कर देंगे। आप डायरेक्टली क्लोज बटन में जाके क्लोज कर देंगे, ठीक है। मुझे वो रिकॉर्डिंग का मोड में है इसलिए मैं इन टास्क बार में जाके क्लोज कर रहा हूँ। फिर इसको उसके बाद फिर आधार एनरोलमेंट वो आप खोल कर, फिर यूजर नेम, आपका आईडी और आधार नंबर और आपका वो ओटीपी और आपका बायोमेट्रिक दे दीजिए। अभी आधार एनरोलमेंट क्लाइंट आप खोल रहा है, उसको खोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जो नए आए हैं मेरे चैनल में रियांशी.net को, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी वो खोल रहा है, अभी खोल रहा है। वहाँ पे अभी आपका वो आईडी नंबर दे दीजिए, फिर आधार, जैसे आप पहले लॉगिन करते थे ऐसे ही आपका आईडी नंबर, फिर आधार नंबर और ओल्ड वाला ओटीपी और आपका वो बायोमेट्रिक दे के लॉगिन कर दीजिए। मैं जैसे कि इसको मैं तेलुगु से उड़िया, तेलुगु में था पहले, अभी उड़िया कर रहा हूँ, इंग्लिश टू उड़िया। आप ऐसे ही आपको जो लैंग्वेज चाहिए आप ऐसे कर सकते थे, आपका बायोमेट्रिक दे के लॉगिन होगा, वो बायोमेट्रिक हो गया, फिर वो ओटीपी डालने के लॉगिन हो गया है, ठीक है। अभी आप लाइफ साइकिल चेंज करके देखो, अपडेट करके देखो, वहाँ पे अभी आ गया है इंग्लिश टू उड़िया। मैं एक टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि लिखा मैं रिंटू प्रधान लिखा है। देखिए, मैं आपको रिव्यू में जाकर देख रहा हूँ, वो लैंग्वेज पहले था वो तेलुगु था, आपको मैं रिंटू प्रधान लिख कर दिखाया था, जैसे कि इंग्लिश टू तेलुगु था, अभी देखो इंग्लिश टू उड़िया हो गया है। ऐसे ही आप आधार में लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब मी।